ज्यादातर लोग घर तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ये जो जैसे हम सुंदर सा एक घर बनाते हैं, इस घर को बनाने में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा आप लोगों के साथ, कॉलम को खड़ा कर रहे हैं तब आपको क्या क्या ध्यान रखना है और कौन कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो आपका घर कुछ अच्छे तरीके से आप सुंदर बना सकते हैं और साथ ही साथ उसे विशेष कर सकते हैं। सबसे पहला आपको ड्राइंग ड्राइंग जो आप बना रहे हैं, इसकी कॉलम ड्राइंग जरूर बनाएं जिससे आपको ये पता चले कॉलम हमें कहाँ खड़ा करना है। दूसरा ये है आपका कि आप अब कॉलम ड्राइंग के अकॉर्डिंग तो खड़ा करना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिट्टी किस तरीके की है, स्ट्रक्चर कैसे जाएगा ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए मिट्टी के परीक्षण होते हैं। ज्यादातर अगर आप एक दो तीन फ्लोर बना रहे हैं तो मिट्टी का परीक्षण कोई नहीं कराता। फिर जो फुटिंग बना रहे हैं आप, ये आपको ध्यान रखना है कि फुटिंग आपको कितनी गहराई पर लेना है, साथ ही साथ आपको इसमें किस तरीके से फुटिंग का डिजाइन करना है, यानी कि आपको ट्रेपोजाइडल या फिर कौन सी फुटिंग करना है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक चीजें हुई, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कि आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका मान लीजिए कॉलम है, इस कॉलम में ये जो रॉड है ये आपको 4 रॉड देना है या 6 रॉड, ये आपका ड्राइंग से डिसाइड हो जाता है। अब इस कॉलम को आप खड़ा कर रहे हैं तब सबसे पहले आपको मार्किंग कर लेना है प्रॉपर। उस मार्किंग के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपका कॉलम नीचे लेवल से, यानी कि ग्राउंड का जो लेवल है आपका मिट्टी वाला, यहाँ से ये पूरा सही है या नहीं। बहुत सारी जगह ऐसी गलतियां सामने देखने को मिलती है कि आपका जो कॉलम है नीचे से लेकर प्लिंथ लेवल तक तो सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद पोजीशन बदल जाती है। कॉलम की पोजीशन क्यों बदल जाती है, वो है सबसे बड़ी लापरवाही। अगर आप साहूल प्लम्बॉप का यूज कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरी चीज, फुटिंग आप छोटी सी बना देते हैं जिससे आपका मटेरियल बच जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, प्रॉपर बनाना है आपको। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें, सावधानी है जो आपको विशेष रखना ही रखना है। ज्यादातर लोग प्लिंथ से लेकर कॉलम आपका जगह तक लेकर आ जाते हैं। अब प्लिंथ यानी ग्राउंड लेवल तक आपका क्या आ गया है, कॉलम आ चुका है। अब इसके बाद ऊपर जो कॉलम भरेंगे प्लिंथ लेवल तक, यानी जहां तक टाइल्स लगना वहां तक ईंटें लगा देते हैं, जिससे भी कॉलम आपके आउट हो जाते हैं, अंदर बाहर हो जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। मैं रेंडमली आपको हर एक चीज बताते जा रहा हूं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, वो आप ध्यान रखें और उस तरीके से फिर अपने घर का कंस्ट्रक्शन का काम करें। जैसे कि आपका कॉलम है, एक चीज और मैंने नोटिस किया हूं कि आपको ये पता नहीं होता कि रॉड कितनी काटना है और कितने फ्लोर बनाना है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपका ग्राउंड फ्लोर जो है वो कितना ले रहे हैं आप। स्लैब की हाइट मान लीजिए आप 11 फीट ले रहे हैं, आपका प्लिंथ का जो लेवल है वो अगर 3 फीट है तो 11 और 3 आपका हो जाता है, ये इसे आप प्लस करेंगे 14 फीट हो जाता है। अब ग्राउंड आपका 14 फीट हुआ, इसके बाद आप जमीन में गहराई कितनी ले रहे हैं। मान लीजिए अगर आपका 5 फीट कॉलम जमीन में जा रहा है तो आपका 19 फीट होता है, तो 19 फीट की आपको रॉड काटना है और एक रॉड जो आती है आपकी वो 39 से 40 फीट की आती है, तो यहां पर आपको 2 रॉड काटना है एक पे। मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर के लिए अगर मैं यही प्लान करता तो वहां पर 13 फीट की काट लेते हैं हम, जिससे 3 फीट आपका पैरापेट तक चले जाता, तो एक में 39 में 13 × 3 आपका 3 रॉड बन जाती। तो देखिए क्या होता है, कॉलम की जब आप ये पेटी लगा रहे हैं तब कवर में बहुत सारे लोग गलती करते हैं और कॉलम का जो कवर है वो प्रॉपर नहीं देते हैं, तो आपको कभी भी आजू बाजू की जो दूरियां होती है वो बराबर देना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हम कॉलम की, तो लगभग आपको 40 के आसपास 40 mm हम कवर दे देते हैं। इसी प्रकार बीम में 20 mm, स्लैब में 20 mm, जो आपका रॉड और कंक्रीट के बीच का गैप बनाता है, अगर सिंपल टर्म में हम बात करें इसकी। तो कुछ बेसिक जानकारी है, मटेरियल आपको सही तरीके से डालना है, वाइब्रेटर लगाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।